नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। दोस्तों, पंजाब के अमृतसर स्थित सुमन मंदिर में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। हारमोनियम को लेकर अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने आदेश दिया है कि सुमन मंदिर में अब हारमोनियम नहीं बजेगा। उन्होंने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी को 3 साल का वक्त दिया है। उनका कहना है कि सुमन मंदिर से हारमोनियम को हटाकर कीर्तन के समय पारंपरिक संगीत के इंस्ट्रूमेंट्स को बजाया जाए। जनता सुनती है, जनता देखती भी है, जनता टोकती है, जनता रोकती भी है, जनता सिसकती है, जनता रोती भी है। तुम्हें नहीं दिखता, कमी तुम्हारी है, और फिर उठती है जनता की आवाज। दोस्तों, अकाल तख्त का मानना है कि हारमोनियम सिख परंपराओं का हिस्सा नहीं है, इसे अंग्रेजों ने भारतीय संगीत में थोपा है। कीर्तन और गुरबानी के दौरान हारमोनियम की जगह पारंपरिक स्ट्रिंग वाद्य यंत्रों को बजाया जाना चाहिए। अकाल तख्त सिखों की सर्वोच्च धार्मिक संस्था है। इसकी नींव सिखों के 6वें गुरु श्री गुरु हरगोविंद साहिब द्वारा 1609 में रखी गई थी। अकाल तख्त 5 तख्तों में सबसे पहला और पुराना है। खबर के मुताबिक हारमोनियम का जन्म 1700 के आसपास हुआ। इसे कोपेनहेगन के प्रोफेसर ने बनाया था। भारत में पहली बार 1875 में कलकत्ता में द्वारकानाथ घोष का बनाया हारमोनियम चलन में आया। 1915 तक भारत में ये वाद्य यंत्र बड़े पैमाने पर बनाया जाने लगा था। श्री हरमिंदर साहिब में इसका इस्तेमाल सबसे पहले 20वीं सदी में किया गया था। दोस्तों, आपको बता दें कि करीब 121 साल बाद हारमोनियम के इस्तेमाल पर रोक लगाई जा रही है। हरमिंदर साहिब की एक पेंटिंग में कीर्तन करते लोगों को दर्शाया गया है। 1854 की पेंटिंग में हारमोनियम कहीं दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा कहा जाता है कि हारमोनियम 1901 या 1902 में पहली बार हरमिंदर साहिब में बजाया गया था। ऐसे कीर्तनी जत्थे है जो हारमोनियम और स्ट्रिंग दोनों वाद्य यंत्रों का उपयोग करते हैं और अभी भी बहुत अच्छे प्रदर्शन करते हैं। अकाल तख्त का मानना है कि हारमोनियम को सिख परंपराओं में ब्रिटिश लेकर आए। उन्होंने हमारी विरासत के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अंग्रेजों के आने से पहले प्रत्येक गुरुद्वारे के पास एक जागीर थी। इससे होने वाली कमाई का एक हिस्सा रबाबी और सिख कीर्तनियों को जाता था। अंग्रेजों के आने के बाद रागी और रबी को मदद देने की यह व्यवस्था खत्म हो गई। अकाल तख्त के इस फरमान पर पंजाब विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर अलंकार सिंह कहते हैं कि स्ट्रिंग वाद्य यंत्रों को बजाने के लिए प्रोत्साहित तो किया जाना चाहिए, लेकिन हारमोनियम बजाना बंद कर देना सही नहीं होगा। उनके अलावा बहुत से सिख स्कॉलर भी है जो हारमोनियम पर पाबंदी को ठीक नहीं मानते। माना जा रहा है कि SGPC के लिए हारमोनियम पर पाबंदी आसान नहीं होगी, क्योंकि लोग सालों से गुरमत संगीत में इसे सुनते आए हैं। इसके साथ ही रागियों को भी सालों से इस मामले में प्रशिक्षित किया जा रहा है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज़। नमस्कार। जनता की आवाज़ YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।